हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बिना गैस जलाए ओरियो डिजर्ट बनाई हूँ, आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। अगर मेरी ये रेसिपी अगर थोड़ा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करना। चलिए आगे बनाते हैं। मैंने 10 रुपये वाली 2 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। एक मिक्सी जार में से रफली तोड़ करके ग्राइंड कर लेना है। मैंने इसका पूरा फाइन पाउडर नहीं किया, हल्का सा दरदरा है ना, ये बहुत ज़्यादा दरदरा है ना, ये फाइन पाउडर है। ये करीब 1 कप व्हिप क्रीम है, इसे वीट कर लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस तरह का उच्च आप इसे वीट कर सकते हैं, बस इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर से वीट कर रही हूँ। ये व्हिप हो गया है। इस तरह से मेरे पास एक प्लास्टिक है, देखिए, आपके पास नहीं है तो आप दूध का भी प्लास्टिक ले सकते हो। मैंने व्हिप क्रीम इस पर भर लिया है। मेरे पास इस तरह से छोटे छोटे कांच गिलास है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्पोजल यूज कर सकते हो। 1 चम्मच ये ओरियो क्रश किया हुआ डाल दें, हल्का से इसे प्रेस कर दें इस तरह से। मेरे पास इस तरह से कूटने वाला है, जिससे अदरक लहसुन कूटते हैं, उसे हल्का सा मैंने प्रेस कर दिया इससे। इसके बाद इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाया है इस तरह से। फिर से ओरियो 2 चम्मच जैसा मैं डाल रही हूँ, सेम प्रोसेस करते जाना है ऊपर तक। इस तरह से लेयर बाय लेयर सारा ग्लास में मैंने डाल दिया है। एक नोजल को इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग पे लगाया है। इस सारा ग्लास के ऊपर थोड़ा थोड़ा चोको चिप्स डाल दी। अब ग्लास के ऊपर एक सुंदर सा डिजाइन बनाते हैं। ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना। मैंने तीनों को थोड़ा सा अलग अलग से किया है, कैसा लग रहा है? मेरे पास 2 तरह का स्प्रिंकल है, मैं उसे डाल रही हूँ। एक कलरफुल वाला, एक चॉकलेट वाला। इन दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ। नहीं है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे भी खाने में। इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख करके ठंडा ठंडा खाए, मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।